क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे को अभी अभी नोटिस प्राप्त हुए, मैंने अभी घर से फ़ोन करके पूछा है, अभी मेरे नोटिस व्हाट्सएप पे आई है, तो अभी मुझे पता भी नहीं है अभी कितना, 7 दिन का शायद बोलते हैं 7 दिन का टाइम मांगा है हमारा जवाब देने के लिए। फ्राइडे के दिन अगर उन्होंने स्निक दी, मंडे के दिन आई, तो 3 दिन तो ऐसे चले गए, 4 दिन में हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम टाइम बढ़ा के लेंगे और जो टाइम अध्यक्ष देंगे अगला, उसके पहले अब उसका जवाब जरूर देंगे। क्या लिखा है सर नोटिस में, नोटिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैंने पढ़ा ही नहीं है पूरी तरीके से। सर सभी दोनों गुट को दी गई है कि सिर्फ? नहीं, दोनों गुट को, विधानसभा अध्यक्ष ही इसको जुडिशरी पावर होते हैं, एज गुड एज उसका एक अलग सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होते हैं वैसी पावर है विधानसभा अध्यक्ष को अलग से है। तो ये देते वक्त दोनों पार्टियों का सुनना, दोनों का जवाब लेना, दोनों को हेयरिंग को बुलाना, या तो अगर उन्होंने जवाब दिया उसके ऊपर अपना कंक्लूड करना, ये विधानसभा अध्यक्ष के पावर है, वो जो जैसा चाहेंगे वो उस तरीके से निकाल दे सकते हैं। तो सभी MLA एक साथ जवाब देने के लिए जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के तौर पे ये हुआ है ना, आप जो उठा हुआ था, ये पार्टी अलग से बनी है, तो ये पार्टी के तौर पर पार्टी ही उसकी जो वकील रहेंगे, तो हमारा सबका एक कॉमन जवाब होगा और वही जवाब हम देंगे।